दिख रहा है। 11:59 और सिर्फ एक मिनट बचा है 12 बजने में, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। तो बंद हो गई, दिखाओ दिखाओ, 12 बज गया। हैप्पी न्यू ईयर। जो है हम लोग स्काई लैंटर्न को उड़ाने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो जान दो। और अनार है, और अनार है, अनार फटो। ये है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। वाओ, हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। और एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रितेश शर्मा। आज मैं और मेरे साथ नीली, हेलो, हम दोनों जो है अभी पहुँचे हैं कुछ मार्केटिंग करने के लिए। और साल का ये अंतिम दिन है, यानी 31 दिसंबर है 2021, जो साल है वो जाने वाला है। और हम लोग इसको थोड़ा घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अभी बाहर निकले हैं, शाम का वक्त है, फिर घर पे ही चलेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें होंगी। अभी फ़िलहाल जो हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग खितान मार्केट में है। हम लोग एक गाउन लिए थे, वो उसका फिटिंग अल्ट्रेशन जो है वो अच्छे से नहीं किया था, तो उसको बनवाने के लिए आए हैं। तो चलिए अभी गाउन का जो है फिटिंग कराने के लिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। आधे घंटे का टाइम दिया गया है और ये पूरा मार्केट का एरिया है। बहुत ही सही है, पटना में अगर आप लोग रहते होंगे तो खितान मार्केट आपको पता होगा कि क्या चीज़ है खितान मार्केट। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सही नहीं है। और ख़ासकर शॉपिंग करवाने के लिए जब आना होता है तब। हाँ, ये बात है। वैरायटी मतलब वैरायटी आपको नहीं, कुछ खास नहीं मिलता है। एक अगर आप वैरायटी देखते हैं तो वही 150 में वही आपको अवेलेबल है, बाकी और कुछ खास मेरे को यहाँ नहीं लगता। इससे बेटर है कि आप मॉल में चले जाओ, वहाँ आपको वैरायटी मिल जाता है। यार की घड़ियाँ बड़ी लंबी होती है, अभी मैडम का गाउन जो है मिलने में भी समय है, तब तक के लिए क्या किया जाए? तब तक के लिए हम लोग चाय पीते हैं। चाय, हाँ, ठंडी और अच्छा लगेगा। अच्छा, चलते हैं चाय पीने के लिए, कहाँ मिलता है तलाश करते हैं, कहाँ चाय है बढ़िया। मार्केट वाले एरिया में आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और यहाँ भी एक स्टॉल है, क्या है, मिस्टी राजस्थानी घेवर, घेवर बनाया जाता है यहाँ पे। ये राजस्थान का जो डिश है वो, ये किस चीज़ से बनता है भैया? बेसन मैदा पानी को सिंघाड़े का पोलो। अच्छा, बेसन मैदा सब रहता है मिक्स इसमें, सिंघाड़ा वाला आटा। तभी कैसे खिलाते हैं, कैसे रहता है? 20 का एक रहता है, 30 का एक बनाइए ना, समय देना। ये देखिए घेवर यहाँ पे बनाया जा रहा है, घेवर बोलते हैं इसको, छोटा सा कढ़ाई टाइप का है। ये तेल है कि घी रहता है? रिफाइन है, रिफाइन ऑयल में बनाते हैं। और इसको ऐसे ही चलाते रहना पड़ता है? हाँ, थोड़ा साइड करना पड़ता है। तो कितना टाइम लगता है एक बनने में? 5 से 6 मिनट में एक घेवर तैयार हो जाता है यहाँ। 5 से 6 मिनट टाइम लगता है ना, मतलब इसमें बीच-बीच में रिफाइन। सूखा हुआ खाते हैं फिर ऐसे ही, चाशनी में डुबा दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये भाई घेवर है, इस टाइप का बन करके तैयार होता है यहाँ पे घेवर। चाय का आपका दुकान अंकल जी? तो कैसे कप है चाय? 12 रुपये 7 रुपये। कौन सा 12 7 है? 12 रुपये खिलाई ना, दो जगह लगाई यहाँ पे आपका है। लगाई दो जगह लगाई, हम लोग चाय नहीं खोज रहे। चीयर्स नए साल के जश्न में, चीयर्स। कैसा लगा? मीठा मीठा ज़्यादा है।
हम लोग तो भाई चाय के दीवाने हैं, तुम नहीं चलता है चाय ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम लोग का नया साल कुछ इस तरीके से मन रहा है, चाय वगैरह पिया जा रहा है, घर पे चलेंगे लेकिन घर पे ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा होता है। फैमिली के साथ टाइम दीजिए, एंजॉय करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी। फोल्ड करना हो गया ना, देख ली, चेक हो गया, हो गया हो गया हो गया, इसी में टाइम लग रहा था। अब सीधे पैक करके हम लोग चल रहे हैं घर, फिर वहीं पे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। दिख रहा है 11:59 और सिर्फ एक मिनट बचा है 12 बजने में, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है, क्या हम लोग जोर से शूटिंग करने वाले हैं, वेट कर रहे हैं मिनट का। 11:59 अभी है, हाँ जल्दी से 12 बजे तो आप फोन ही बंद हो जा रहा है भाई। नहीं है तो बंद हो गई, दिखाओ दिखाओ, 12 बज गया, हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए क्या नज़ारा है यहाँ पे, और पटाखा फूटना शुरू हो गया है, और हम लोगों ने अपनी दिवाली नहीं सेलिब्रेट की थी एक साथ, तो इस बार लोग साथ में नहीं थे, हाँ तो अभी बहुत सारे पटाखे हैं, हम लोग वो भी छोड़ेंगे और हैप्पी न्यू ईयर भी हम लोग मनाएंगे, मतलब मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और ये ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि नीली इस वक्त थी नहीं हमारे साथ, तो अब भी जो है अभी अपनी दिवाली और न्यू ईयर सेलिब्रेशन सब कुछ अभी होने वाला है, बस बने रहिए वीडियो में, मजा आएगा। वाह फूटेगा, ये फ्लैश नहीं किया सो, वो वाला नहीं। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो आप देखो ना यहाँ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, ले आओगी माथे उठा के, वो पुराने वाला। अभी जो है हम लोग स्काई लैंटर्न को उड़ाने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अरे उधर, हाँ देखो लोग बहुत सिखाने वाले हैं, नीली छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको ऊपर ऊपर ढके लो, ऊपर दे, हाँ ऊपर 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 खेलो ना, ऊपर खेलो, हाँ कहाँ गया ये रहा वो खत्म हो जाता है उसका क्या? अभी घिरनी है, फिर अच्छा। वो लौकी है ना, अरे और अनार है, और अनार है, अनार और घिरनी है, छोड़ेंगे ठीक है छोड़ते हैं, चलो आओ ठीक। देखिए अब हम लोग घिरनी नचाएंगे, बहुत मजा आएगा। जरा ना ये है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, वाओ आज हो गया, हो गया ठीक है।
एक साथ हो गया। तो हम लोग जो है वो पटाखा छोड़ चुके हैं और न्यू ईयर का बिगनिंग हो चुका है। आई होप कि जितने भी रॉयल राइडर के फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से बीते और ये जो साल है वो सबके लिए बहुत 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 अच्छा रहे। और फिलहाल कोरोना का भी हो गया तो आप लोग सबसे पहले सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर प्लस सेफ, ये भी जरूरी है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग भी अभी घूम फिर करके घर में सेलिब्रेट करके, घर में ही प्लान था सेलिब्रेट करने का, बाहर जाने का मन नहीं था। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि बाहर तो आप घूमते ही रहते हो हमेशा। धूम धड़ाका ज्यादा पसंद नहीं है आपके भाई को और इसलिए जो घर में शांति से सेलिब्रेट किया गया है। पटाखा भी बहुत नॉइज वाला कुछ नहीं था हमारे पास, बस रोशनी एंजॉयमेंट के लिए बस था। बस एंजॉयमेंट के लिए हम लोग थोड़ा बहुत बचा के रखे हुए थे जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। पूरा फूट गया है और मजा आया, बहुत अच्छा लगा। छोटा ही मोमेंट था बट बस बहुत अच्छा लगा। चलिए तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2022, बहुत ही अच्छा हो। और अभी इस वीडियो में इतना ही है और भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो जरूर करिएगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। बाय बाय।